कुछ रंग प्यार के ऐसे भी में आज दिख रहा है सोनाक्षी और देव के बीच का दर्शन। आज दोनों दे रहे हैं एक दूसरे को बास्केटबॉल में टक्कर। मैंने तो कभी खेला ही नहीं है, मैम ने खेला तो वही सिखा रही थी मुझे कैसे खेलना है। मैंने तो बचपन में खेला बस, अब इतने सालों बाद मैं आज खेल रही हूँ। अच्छा, तो ये दोनों नौसिखिए हैं, लेकिन शो की डिमांड पर आज ये दोनों एकदम प्रोफेशनल बास्केटबॉल प्लेयर्स की तरह एक्ट कर रहे हैं और एक दूसरे को दर्शन दे रहे हैं। एक्चुअली अभी देव और सोना की टशन ही चल रही है कुछ टाइम से। देव गुस्सा है, बहुत नाराज है सोनाक्षी से कि उसने अपनी बेटी को उससे छुपा के रखा, और वही सोनाक्षी की अपनी एक्सप्लेनेशन है कि उसको घर में आने नहीं दिया, इसीलिए बहुत नाराज है एक दूसरे। तो गुस्से में ये सब चल रहा है, लेकिन ये देखिए कैसे इन दोनों के बीच थोड़ा थोड़ा रोमांस भी देखने को मिल रहा है। आपको बता दें इनके इस रोमांस में और चार चांद लगाने के लिए यहाँ हो जाएगी बारिश। बारिश से मेरी बहुत अच्छी अच्छी यादें जुड़ी हुई हैं, तो जब भी बारिश होती है तो मुझे अच्छा लगता है। मैं हमेशा बहुत एंजॉय करता हूँ रेन सीक्वेंस में। मैं एक्साइटेड नहीं, मैं डरी हुई हूँ। शी इज नॉट फीलिंग वेल टुडे, तो शायद उसकी तबीयत और खराब हो जाए। फिर भी देखिए कैसे ये दोनों आज एक दूसरे के साथ डांस कर रहे हैं। वेल, अब गुस्सा भी है और प्यार भी है, दोनों की लाइफ में कंफ्यूजन काफी है। खैर, इन्हें अपनी इस कंफ्यूजन का सलूशन निकालने देते हैं और हम आपको बताते हैं कि कुछ रंग प्यार के ऐसे भी के फैंस ने इस शो का एक साल पूरा करने की खुशी में एक कलेक्टिव चैरिटी भी की है और अपने फैंस के इस स्वीट जेस्टर के बारे में शायर ने हमसे बात की। बहुत अच्छा जेस्टर है, मतलब मैं पहले से कहता आया हूँ कि हमेशा आप हमें गिफ्ट भेजने की जगह जो जरूरतमंद बच्चे हैं उनकी मदद करो, क्योंकि बहुत सारे बच्चे हैं जिनको हमारे कंट्री में पढ़ने लिखने की सुविधा भी नहीं होती है उनके पास, वो पढ़ना चाहते हैं, कुछ करना चाहते हैं, तो उनकी हेल्प कीजिए। बस वो उन्होंने किया, बहुत अच्छा काम किया। अरे वाह, ये हुई ना बात। बस अब हम उम्मीद करते हैं कि आपके फैंस आपसे ऐसे ही प्यार करते रहे और हमें भी जल्दी आप दोनों के बीच की दूरियां कम होते देखने का मौका मिले। अक्सर अगवानी E24।